बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है हीट वाल या थर्मोस्टेट वाल भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, आज मेरी वीडियो का टॉपिक किस पर है, ये आप जब भी गाड़ी में डालें तो पहले से चेक कैसे करेंगे, ये अंदर से जाम हो जाते हैं, तो ये मैं आज आपको बताऊंगा। आपने अपनी गाड़ी में कौन सा वाल डालना है, ये दो तीन चार किस्म के होते हैं, जो भी आप डालना चाहें। तो सबसे पहले आपने जब भी ये हीट वाल डालना हो तो इसको चेक कैसे करेंगे, वो चेक करने के बगैर आपने नहीं डालना, क्योंकि आपकी गाड़ी का इंजन नुकसान कर सकता है। चलें दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और साथ बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना है, ताकि हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। जी दोस्तों, ये इसमें ये थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं। इसमें एक ये वाल आता है, सेवेंटी एट वाला, ये देखें। एक आता है 82 सेंटी वाला, ये पता नहीं आपको नज़र आ रहा हो या नहीं, ये देखें बिल्कुल। इसमें ये वाल 82 सेंटी वाला है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये 78 वाला है, ये आपको नज़र आ रहा है। 78 का मतलब क्या है, 78 का मतलब ये है कि जब पानी हल्का गर्म होगा तो ये वाल खुलना शुरू हो जाएगा, और 82 का मतलब ये है कि इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा गर्म होगा तब ये वाल खुलेगा। तो दोस्तों, वाल को चेक कैसे करेंगे, ये देखें, ये अंदर से सील बंद है, ये देखें इसकी रबड़ बिल्कुल जुड़ी हुई है। तो पहले आपने चेक कैसे करना है, ये जब भी आप अपनी गाड़ी में डालें तो पहले इसको चेक करना है। वो चेक कैसे करेंगे, ये पानी आपने लेना है, तो पानी लेने के बाद आपने एक लीटर पानी लेना है, ये उसमें आपने वाल भिगो देने हैं। ये वाल मैंने इधर इसमें फेंक दिए, तो देखते हैं इसमें वाल कौन सा सही है और कौन सा ख़राब है। ये थोड़ा सा पानी उबल जाए तो वाल का पता चल जाएगा, थर्मोस्टेट वाल का। ये मेरे दोस्तों, जब भी आप अपनी गाड़ी में डालें तो पहले से चेक करके फिर आपने डालना है। चलें दोस्तों, पानी उबल गया है, अब वाल को चेक करते हैं कौन सा ठीक है और कौन सा ख़राब है। ये दोस्तों, वाल बिल्कुल ठीक है, ये देखें इसका मुंह बिल्कुल खुल गया है, ये देखें, ये आपने वाल इस तरह चेक करना है। अक्सर वाल ऊपर बंद ही रहते हैं, तो आप गाड़ी में डाल देते हैं तो आपकी गाड़ी को इंजन को नुकसान हो सकता है। ये देखें, ये वाल बिल्कुल ठीक है। अब हम दूसरा वाल चेक करेंगे कौन से ख़राब है कौन से ठीक है। ये वाल भी बिल्कुल ठीक है, ये वाल भी बिल्कुल ठीक है, ये वाल भी बिल्कुल ठीक है। ये वाल ख़राब है, ये देखें दोस्तों, ये वाल बिल्कुल ख़राब है, ये बिल्कुल अपनी जगह से हिला भी नहीं है। तो हम वैसे गाड़ी में डाल देते तो ये नुकसान कर सकता था। ये भी बिल्कुल ठीक है, और
ये भी बिल्कुल ठीक है दोस्तों। जब भी आपने अपनी गाड़ी में ईट वाल्व डालना हो तो आपने पहले इसको चेक करना है। चेक करने के बाद आपने अपनी गाड़ी में डालना, चेक करने के बगैर नहीं डालना दोस्तों। इस तरह मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा, तो वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर करना है। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।